इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रेज इस कदर बढ़ चला है कि आए दिन नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो रही हैं। वही ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने पिछले ही महीने रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की है, जिसमें ओला S1 और ओला S1 Pro ने दबाकर सेल की है। ओला ने पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 19.2% की बढ़ोतरी की है और कुल 22,284 यूनिट्स को सेल कर डाली है। इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन इन दिनों काफी ज्यादा हो चली है। वजह है पेट्रोल की बढ़ती महंगाई। वही इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स और रेंज भी लोगों को दीवाना बना रहा है, इसलिए लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काफी ज्यादा है। महीने दर महीने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बताते चले, केवल पिछले महीने अक्टूबर 2023 में 71,604 इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेलिंग हुई है। वर्तमान समय में जिस तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में दबदबा बना रखा है कि आने वाले कुछ सालों में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिल सकता है। चूंकि पेट्रोल डीजल पर चलने वाली वाहनों में प्रदूषण अधिक होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदूषण मुक्त के साथ पेट्रोल डीजल के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद समय में एक से बढ़कर एक एडवांस फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, जिसमें अनेकों टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इसी क्रम में हम आपको 5 सुपर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी डिमांड सातवें आसमानों पर है और बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। साथ में इन 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर की पिछले महीने कितनी यूनिट सेल हुई है जानेंगे, ताकि आप बेहतरीन ई स्कूटर की खरीदारी कर सकें। TVS iQube। TVS इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत पहले से ही भारतीय बाजारों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और इसने भी ईवी स्कूटर की बम्पर सेलिंग की है। इसने सितंबर 2023 में करीबन 15,584 यूनिट्स बेची हैं, जबकि पिछले अक्टूबर माह में TVS iQube 15,604 यूनिट्स को सेल की है। बढ़ोतरी की बात करें तो ये 0.1% की बढ़ोतरी की है। हालांकि इसकी डिमांड अब भी बरकरार है और आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की आसार है। ओला इलेक्ट्रिक। ओला की बात करें तो इसने भारतीय मार्केटों में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल की है, जबकि इसकी बढ़ोतरी भी दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। ओला ने 3 सबसे पॉपुलर मॉडल की इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल की, जिसमें ओला S1 है, ओला S1 Pro और ओला S1 शामिल है। ओला ने 19.2% बढ़ोतरी के साथ 18,691 यूनिट सेल की। आथर। काफी कम समय में लोगों के दिलो दिमाग पर चा जाने वाले में से एक है। इसने पिछले ही महीने करीब 8,027 यूनिट्स और सितंबर महीने में 7,151 यूनिट्स बेची हैं, जबकि महीने दर महीने 12.2% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। बजाज चेतक, जिसे हर कोई जानता है, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने सबसे अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल की है। इन्होंने काफी यूनिट्स बेची है, जिसमें पिछले महीने की करीब 8,430 यूनिट्स बेचकर 18.7% की बढ़ोतरी कर रही है। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और एडवांस फीचर से ग्राहकों को दीवाना बना रहा है। एम्पियर। 11.2% बढ़ोतरी के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने भी बम्पर सेलिंग की है। अक्टूबर में 4,019 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करी है, जबकि सितंबर माह की तुलना में 11.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। कंक्लूजन। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए मैंने आपको 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर का जिक्र किया है जो कि भारतीय बाजारों में अत्यधिक सेल की है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नजर दौड़ाएं और पढ़ें कि आखिर कौन सी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिक सेलिंग कर रही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।